मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन ओवर सिक्सटी पॉइंट एट बेटा जी अब आप बेटा आपने इसको सॉल्व इस तरह करना है कि हमारे पास यहाँ पे रेडिकल फॉर्म है इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनशियल फॉर्म के अंदर तो ये बेटा हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन टू वन फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन ओवर सिक्सटी पॉइंट एट एंड होल की पावर यहां बेटा हमारे पास क्यूब रूट था तो यहां पे बेटा बन जाएगा वन ओवर थ्री ठीक है अब बेटा आपने इसका लॉग लेना है ऑन बोथ साइड तो आपने यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ ठीक है अब बेटा आप यहां पे लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स यहां पे आ जाएगा सो यहां पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहां पे हमारे पास जो कंप्लीट ये नंबर है इसको आपने बिल्कुल अभी लिखना है ठीक है मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन ओवर सिक्सटी पॉइंट एट पर थ्री बेटा ठीक है अब आप आपने बेटा लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगाना स्टार्ट कर देनी है सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे वन ओवर थ्री यहाँ पावर है तो ये बेटा सबसे पहले आ जाएगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री उसके बाद बेटा लॉग ऑफ दिस कंपनी जो आपके पास यहाँ पे टर्म है ठीक है जो बेस है हमारे पास वन ओवर थ्री की थी तो जीरो पॉइंट सेवन टू तो वन फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन ओवर सिक्सटी पॉइंट एट ठीक है अब बेटा इसके बाद आपको पता है कि हमने क्या करना है हमने बेटा इनका लॉग नंबर्स का लॉग सेपरेट करना है अलग अलग इनका लॉग करना है तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा वन ओवर थ्री ठीक है वैसे का वैसे ही लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री इन टू अब बेटा आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज करनी जब यहाँ पे लॉग के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टर्म हो और बाहर के नंबर लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो रहा हो ठीक है तो बेटा अब आपने इसके बाद ब्रैकेट लास्ट में यूज करनी है ठीक है तो लॉग यहाँ पे आएगा जीरो पॉइंट सेवन टू वन फोर का ठीक है लॉग ऑफ जीरो पॉइंट सेवन टू वन फोर ठीक है प्लस ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे लॉग ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन लॉग ट्वेंटी पॉइंट थ्री सेवन माइनस जहाँ पे जो डिवीजन uh, के नीचे आपके पास नंबर यहाँ पे है सिक्सटी पॉइंट एट इसके लिए आप लॉग सेपरेट करेंगे तो साइन माइनस का आएगा लॉग सिक्सटी पॉइंट एट ठीक है जी बेटा अब आपने इन नंबर्स का बेटा लॉग अप्लाई करना है यानी कि आपने अब इनका लॉग लेना है ठीक है तो बेटा आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर इनका सबका लॉग लेना है तो सबसे पहले हमारे पास है वन ओवर थ्री इज इन टू वन ओवर थ्री इन टू अब ये हमारे पास लॉग है बेटा किसका लॉग जीरो पॉइंट सेवन टू वन फोर का इन सब का बेटा हम लॉग यहाँ पे अब लिख रहे हैं निकाल के तो जी बेटा अब हमने इन सब नंबर्स का जब लॉग लिया तो हमारे पास ये इनके बेटा लॉग आते हैं अब आपने करना ये है कि आपने इन नंबर्स को अब बेटा प्लस या जो भी इनका ऑपरेशन है ब्रैकेट के अंदर आपने इनको अब सॉल्व करना है तो अब बेटा हम इनको सॉल्व करेंगे तो जी बेटा इनका जो आंसर यहां पे आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे इन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो वन ओवर थ्री इन टू माइनस जीरो के साथ इसको डिवाइड करना तो हम करेंगे डिवाइडेड बाई थ्री तो ये बेटा फाइनली हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इक्वल बेटा आएगा माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो फाइव सिक्स टू जीरो फाइव सिक्स बेटा ठीक है अब बेटा आपको चाहिए सिंपल एक्स की वैल्यू तो हम यह, हमें यहां पे जो लॉग है इसको खत्म करना पड़ेगा तो लॉग खत्म किससे होता है एंटी लॉग लेने से तो हम क्या करेंगे बेटा हमने बहुत सारे इस नंबर का एंटी लॉग लेना होगा तो हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ Sides. ठीक है आपने बेटा इनका एंटी लॉग देना होगा तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे बहुत साइड्स तो ये जो लॉग है ये खत्म हो जाएगा कैंसिल लॉग उसके लिए बस आपने ए एन टी आई इनफ होता लिखना ठीक है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जीरो माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो, जीरो फाइव सिक्स जी बेटा अब आपने ये लॉग और लॉग क्या लेंगे कैंसिल और आपने अब एंटी लॉग लेना है इस जो आपका आंसर ऊपर है ठीक तो है एंटीलॉग एंड इट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू टू नाइन तो आपके पास एक्स की बेटा फाइनल जो वैल्यू आएगी वो है जीरो पॉइंट सिक्स टू टू एंड नाइन ठीक है और इसके बाद बेटा आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ये हमारे पास फाइनली एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स हमारे पास बेटा किसके इक्वल था एक्स यहाँ पे इक्वल था हमारे पास इस नंबर के तो दैट इसकी वैल्यू क्या आ गई है ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट होप सो आपको समझ आ गया होगा तो जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर सेवन है बेटा पार्ट सॉरी जो है वहां वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉ किसकी एट्टी थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ नाइनटी टू ओवर वन टी सेवन मल्टीप्लाई बाई फिफ्थ रूट ऑफ टू फोर्टी सिक्स बेटा तो आपको पता है कि आपने सबसे पहला जो स्टेप लगाना होता है जो करना होता है वो आपने इसको x के एक को लेना होता है उसके बाद आपने इसका लॉग लेना है ऑन बोथ साइड जब आप इसका बोथ साइड लॉग लेंगे तो आपने बेटा अब ये हमने लॉग लिया है अब आपने इसके जो रूल्स हैं लॉग के आपने हर एक का लॉग सेपरेट आउट करना होता है किस तरह करेंगे ऊपर जो आपके पास न्योमेटर बेटा उसका लॉग अलग से आता है माइनस जो आपका है, उसका इन टर्म्स के भी लॉग को सेपरेट करना होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे, पे यह मल्टीप्लाई है तो आपने जब इन दो टर्म्स का लॉग सेपरेट करेंगे तो इनका इनके दरम्यान में साइन आएगा प्लस का साइन आएगा ठीक है यहाँ पे देखिए आपके पास साइन है माइनस का तो बेटा आप आपने डायरेक्ट विदाउट ब्रैकेट ये डायरेक्ट आपने प्लस नहीं करना उसकी वजह ये है बिकॉज जब बाहर आपका साइन बेटा हो माइनस का तो बेटा उसके लिए आपको ब्रैकेट लास्ट में लगाना होता है अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर बेटा आपका आंसर वो करेक्ट नहीं आता ठीक है वो बाय जो इक्वेशन की जो प्रॉपर फंक्शन uh, है वो उसको सॉल्व uh, नहीं कर पाता ठीक है तो आपने जब भी यहाँ पे अंदर दो टर्म्स हो और बाहर माइनस का साइन हो तो बेटा आपने जब इनका लॉग सेपरेट करेंगे उससे पहले भी बेटा आपने यहाँ पे क्या लगानी है ब्रैकेट लास्ट में लगानी है ठीक है और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे अब बेटा आपने इसको मज़दीद जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे तो लॉग ऑफ एट्टी थ्री वैसे वैसे ही आएगा आ, हम इसका बाद में लॉग लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 83 थ्री प्लस यहां पे आपने पावर लगाया लॉग का पावर हमारे पास पहले आता है तो वन ओवर थ्री लॉग ऑफ नाइन्टी टू आ जाएगा ठीक है लॉग ऑफ नाइन्टी टू और यहाँ पे बेटा हमारे पास आएगा बाहर साइन बिकॉज माइनस का था तो अब आपने बेटा अंदर साइन चेंज करने यही वजह थी कि हमने ब्रैकेट लगाई थी बाहर ठीक है माइनस लॉग वन ट्वेंटी सेवन और यहाँ पे है माइनस लॉग टू फोर्टी सिक्स रेज पार वन ओवर फाइव ठीक है अब यहां भी देखिये आपके पास पावर होती है वो क्या आती है वो साढ़ में आती है तो हम इसको पावर को बेटा हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं वन ओवर फाइव ठीक है माइनस वन और फाइव डॉगर फोर्टी सिक्स अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे बेटा हमने अब इन तमाम नंबर्स के लॉग लेने तो अब हम बेटा यहाँ पे इनके लॉग लेके वहां पर इसको लिख देते हैं तो जी बेटा अब ये हमारे पास आ गए हैं सबके लॉग जो कि हमने यहाँ पे इन सब के लॉग लेके यहाँ पे सबको लिख दिए ठीक है यानी कि हमने क्या किया लॉग ऑफ 83 थ्री लिया क्योंकि तो हमारे पास क्या आता है वन पॉइंट इसके बाद 1 ओवर 3 वैसे का वैसे ही और लॉग ऑफ 92 हमने किया है तो वो हमारे पास एज इज यहाँ पे हमने सबके लॉग लेके यहाँ पे लिख दिए है अब बेटा आपने करना ये है कि यहाँ पे इनको सॉल्व करना है आप यहाँ पे इसको अभी वैसे ही लिखेंगे ठीक है अब पहले आप जो फ्रैक्शन हैं जो डिविजन यहाँ पे है वन ओवर थ्री है और यहाँ पे वन ओवर फाइव है यानी कि आपने अब इस नंबर को थ्री के साथ डिवाइड करना है और इस नंबर को आपने फाइव के साथ बेटा डिवाइड करना है ठीक है तो ये हमारे पास क्या होगा अभी इसको बेटा आप वैसे लिखेंगे प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री सेवन को बेटा आप डिवाइड करेंगे थ्री के साथ वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री सेवन और ये बेटा हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फोर फाइव ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव फोर फाइव ठीक है माइनस टू पॉइंट वन ज़ीरो थ्री एट माइनस उसके बाद बेटा नेक्स्ट है टू पॉइंट थ्री नाइन टू पॉइंट थ्री नाइन ज़ीरो नाइन इसको बेटा आपने डिवाइड करना है फाइव के साथ तो डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन जीरो पॉइंट फोर सेवन एट ठीक है आपको जस्ट फोर इनफ होते हैं लिखना ठीक है तो ये हमारे पास यहाँ तक इनफ है अब बेटा आपने इन सब को सॉल्व करना है तो हम इन सब को एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे पे ठीक है ऑन कैलकुलेटर तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा तो जी बेटा अब आप इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये आ रहा है जीरो माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो एट फोर ठीक है अब ये हमारे पास इक्वल है लॉग ऑफ एक्स के ठीक है आपने यहाँ पे यहाँ से सिंपल आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है बट आपके पास यहाँ पे उसके साथ लॉग लगा हुआ है तो आपने अगेन लास्ट पार्ट्स की तरह ही यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग आपका कट हो जाएगा तो आपने दोनों तरफ बेटा आपने क्या अप्लाई करना है आपने एंटी लॉग अप्लाई करना है ताकि ये आपका जो लॉग है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाए ठीक है इधर भी लेंगे और इस साइड पर भी आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे माइनस जीरो पॉइंट डबल ज़ीरो एट फोर ठीक है ये बेटा एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा सो एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ आंसर हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ आंसर एंड ये बेटा हमारे पास जो आ रहा है वो है जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो ठीक है ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ठीक है अब ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर सेवन